अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस का, ठीक है। टेंसेस का इसलिए करवा रही हूँ कि टेंसेस आपने वैसे पहले तो किए होंगे, लेकिन टेंसेस अगर आपको सही से समझ आते हैं तो ही आप पैसिव एक्टिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल्स वर्ब और प्रीपोजिशन ये सब सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो प्रीपोजिशन का टॉपिक अलग है एंड आर्टिकल्स का भी, लेकिन आप अगर किसी बारे में भी लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं या आप कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी आपको टेंसेस ही यूज़ होता है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी का आंसर लिखना है या आपने इंग्लिश में बात करनी है, तो आप टेंसेस के थ्रू ही बात करेंगे। मतलब जिस तरह से आपको इंग्लिश अगर आपने पढ़नी होती है तो आपको पहले वर्ब सिखाया जाता है जब आप लैंग्वेज का कोर्स करने जाते हैं, फिर टेंसेस आपको सिखाए जाते हैं। इसी तरह टेंसेस के थ्रू ही आप आगे सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेंसेस कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट यानी जो कुछ हो रहा है, पास्ट जो कुछ हो चुका है एंड फ्यूचर जो कुछ होने वाला है। मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है तो वो क्या है? फ्यूचर। और जो कुछ हो चुका वो क्या है? पास्ट। और जो कुछ हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट। यानी जो अभी चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। नीचे की अभी मैं बात आपको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि फेल यानी वर्ब को वक्त के लिहाज से रखना ताकि उसके अमल यानी एक्शन का दुरुस्त इशारा मिल सके और जुमलों का मफहूम वाज़े हो, टेंसेस कहलाता है, ठीक है। टेंसेस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ज़माना यानी कि टेंसेस फेल यानी वर्ब के अमल को वक्त के लिहाज से मुनज़्ज़म कर देते हैं, यानी टाइम के साथ साथ वर्ब और टेंसेस बनाते हैं। टेंसेस के थ्रू बनते हैं, वर्ब इस्तेमाल होता है बीच में। आपको मैं वो टेंसेस के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको पता है कि वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसकी बात की जा रही है। उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। किसी भी शे यानी बींग की हालत, यानी बींग BEING बींग की हालत या अमल भी उसी वक्त के लिए हो सकती है, ये कुछ अरसा या वक्त कबल भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि कोई अमल या हालत अभी ज़ाहिर ही ना हुई हो। ज़माने यानी कि टेंसेस जो फेल यानी वर्ब के अमल को वक्त के लिहाज से बयान करते हैं वो क्या होते हैं? टेंसेस। और टेंसेस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास एंड फ्यूचर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसी तरह इनके भी पार्ट्स हैं, इनकी भी काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट टेंसेस की कौन सी हैं? प्रेजेंट की क्या है? फर्स्ट सिंपल टेंसेस, इसको इंडेफिनेट टेंसेस भी कहते हैं। अगर सिंपल की जगह आप इंडेफिनेट भी लिखेंगे सेम है, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है परफेक्ट टेंस, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरह पास्ट के साथ होता है, पास्ट में भी यही आता है एंड फ्यूचर में भी यही आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट क्या। मैंने प्रेजेंट आपको बता दिए, काइंड्स भी मैंने आपको बता दी। मैं आपको पहले बता दूं कि प्रेजेंट की चार इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? ये चार, ठीक है। और जुमलों की जो शाखें और फेल यानी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और दूसरे अल्फाज की तरतीब रखने का तरीका इस तरह से बयान कर सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको मैंने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, आपको जो मैंने आपको बताया वही बात है। इसमें लिखा है, देखिए फर्स्ट है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंसेस, यानी जुमले में जो वर्ब यूज़ होता है उसके फौरन बाद ही क्या आता है? सब्जेक्ट,
की पहली हालत इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। आपको पहले इनडेफिनेट सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, यानी सिंपल किस तरीके से टेंसेस को सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है कि एस और ई एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और अ सिंगुलर नाउन इज प्रेजेंट एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस, यानी जब जुमले में सब्जेक्ट की थर्ड पर्सन वाहिद यानी इसमें ज़मीर हो या वाहिद इसमें मौजूद हो, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन, वाहिद इस्म ज़मीर यानी प्रोनाउन इस्म वाहिद इस्म यानी कि नाउन को फेल की पहली हालत में क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाते हैं तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट और डज नॉट इस यूज आफ्टर द सब्जेक्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज इज यूज बिफोर द सेंटेंसेस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब सवालिया जुमला हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज को फेल की पहली फॉर्म के साथ लगाते हैं। ठीक है, लास्ट नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज इन द सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंसेस, इस ज़माने के जुमले में कोई इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, यानी नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता किसमें, सिंपल टेंस टेंसेस में। अब क्या है एक्सरसाइज कह रही हूँ, फार्मूलाज क्या है, हर टेंसेस के क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। कौन कौन से फार्मूलाज हैं ये देखें, फर्स्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह सेकंड थर्ड में भी यही है, एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक आ गया। इसी तरह हर एक का फॉर्मूला है, कौन कौन सा है, इंटरोगेटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है, कंटिन्यूस का, आप कंटिन्यूस के मैं आपको बता देती हूँ, उर्दू में आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं उर्दू में साथ साथ रीड करती रही तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं आपको फ़िलहाल इंग्लिश में कर रही हूँ लेकिन उर्दू में नीचे लिखा हुआ है तो आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के क्या क्या रूल्स होते हैं, इज़ एम आर is used as helping verb after subject according to this nature. ठीक है, second first form of verb with the editing of ing is used after helping verb. Continuous sentences में क्या होता है, ing use होता है। In negative sentences not is added after helping verb is am or are. In interrogative sentences is am or are is used before the subject according to this nature, its nature. ठीक है, नोट क्या है, उर्दू जुमलों के आखिर में आम तौर पर रहा है, रही है, रह है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूलाज हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ साथ लिखते रहें फार्मूलाज, ये आपको बहुत हेल्प देंगे, आपको पता चलेगा कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आएंगी, आपके पास अगर लिखा हुआ होता है ना तो आपको ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैव एंड हैज़ इज़ यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस नेचर। सेकेंड आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट में क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। थर्ड है इस नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। फोर्थ है इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैव और हैज़ इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग दिस नेचर।
ठीक है, नोट क्या लिखा है कि उर्दू जुमलों के आखिर में आम तौर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, ऐसा मफहूम निकलता है जैसे ये कोई ज़माने में किसी काम के ख़त्म या मुमकिन होने का पता चलता है। ठीक है, लेकिन आपका उर्दू जुमले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपके सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने हैं। ये वो टाइप का नोट लिखा हुआ है जो कि उर्दू में आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उर्दू में भी कोई सेंटेंसेस बनाते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी टेंसेस होते हैं। गुज़र गया, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा रही है, मतलब रही है यानी प्रेजेंट, खाना खा चुकी है क्या है फ्यूचर, वो खाना खाएगी क्या है फ्यूचर, मतलब जो खाना खा चुकी है वो था पास, और जो खाना खाएगी वो क्या है फ्यूचर। पढ़ा पढ़ा के ना थोड़ा सा मैं भी घबरा गई हूँ। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं, हैव बीन और हैज़ बीन इज़ यूज इन एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अब सेकेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड विद द एडिटिंग ऑफ ing इज़ यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ड। फिर थर्ड है, सिंस और फॉर इज़ यूज बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्थ है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडिट आफ्टर अ हैज़। फिर आता है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैव और हैज़ इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट एंड बीन इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर, अब क्या है पास्ट में, प्रेजेंट ख़त्म हो गया, अब पास्ट है, पास्ट में क्या क्या यूज़ होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल में सेकेंड फॉर्म लगेगी, इज़ यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंसेस। फिर आता है सेकेंड, नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज इन द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंसेस। फिर आता है थर्ड, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट इज एडेड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आता है फोर्थ, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उर्दू में भी साथ साथ मैं रीड नहीं कर रही हूँ, कुछ स्टार्टिंग में किया था लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके ही बतानी है टेंसेस। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है, अब मैं पास्ट कंटिन्यूस का पढ़ रही हूँ। वॉज और वेयर इज़ यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर। सेकेंड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिटिंग ऑफ ing इज़ यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर। फोर्थ है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वॉज और वेयर इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब क्या हैड। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैड इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। ये फॉर्मूलाज हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आते हैं परफेक्ट में। हैड बीन इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। सेकेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिटिंग ऑफ ing इज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सिंस और फॉर इज यूज बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड आफ्टर हैड एंड बिफोर बीन। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैड इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट व्हाइल बीइंग इज यूज आफ्टर द सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर आते हैं हम फ्यूचर के ऊपर. फ्यूचर के अंदर भी वही काइंड्स होती हैं, सिंपल और वही कंटिन्यूस जो मैंने आपको बताया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे वो हेडिंग्स ही डली भी, यहाँ से मैं बता दूँ. शैल और विल इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर. कॉमनली शैल इज़ यूज आफ्टर द प्रोनाउन टी एंड वी. यानी शैल या विल को सब्जेक्ट के बाद इस नोयत के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है. आम तौर पर शैल इस ज़मीर टी और वी के बाद इस्तेमाल होता है. यानी शैल इतना यूज़ नहीं होता जितना वी विल यूज़ होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नॉट इज एडेड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब शैल और विल. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शैल और विल इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट. आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जी. तो ये फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, इसका भी आप ले लीजिएगा. फिर हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में. शैल बी और विल बी इज़ यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिटिंग ऑफ आईएनजी इज़ यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नॉट इज एडेड आफ्टर शैल और विल एंड बिफोर बी. ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल के बाद और बी से पहले नॉट का इजाफा किया जाएगा. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शैल और विल इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट वाइल बी इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट. इंग्लिश में उर्दू में नीचे लिखा हुआ ऑलरेडी. ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें. फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव और विल हैव इज़ यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नॉट इज एडेड आफ्टर शैल और विल एंड बिफोर हैव. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शैल और विल इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट एंड हैव इट यूज आफ्टर द सब्जेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें. बाकी कंटिन्यू ये भी हैं, ठीक है, इसी का नीचे से ये भी है. ठीक है, फिर आता है फोर्थ. शैल हैव बीन और विल हैव बीन इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट नेचर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विद द एडिटिंग ऑफ आईएनजी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. सिंस और फॉर इज यूज बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ और पॉइंट ऑफ टाइम. इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडिड आफ्टर शैल हैव और विल हैव एंड बिफोर बीन. In interrogative sentences, will or shall is used before the subject and have been is used after the subject. ठीक है, और ये फॉर्मूला है, आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें. उसके बाद इसके रूल्स वगैरह मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, उसको रीड कीजिए, फिर आपको और वीडियो देखें. उसके बाद जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे बताइएगा. मैं आपको पहले इनके टेंसेस सॉल्व करने के लिए दूँगी, ठीक है. आपको ये टेंसेस आ जाएंगे तो एक्टिव पैसिव भी आपको ईजिली सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको करने आएंगे तो इसके साथ साथ आपको सारे सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी. ठीक है, आप अगर किसी का आंसर लिखना चाहें तो भी आपको आसानी होगी. आप किसी की आप अगर ऐसे कोई लिखना चाहें जब भी आपको आसानी होगी. जब तक आपको टेंसेस एंड वर्ब समझ नहीं आएंगे आप कोई भी सेंटेंसेस नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये था पूरा टेंसेस का. पहले आप लोग मुझे ये वीडियो और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ वो देखकर, रीड करके, वीडियो देखकर फिर मुझे बताइएगा कि कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, तो फिर मैं आपको उसके फिर एक्सरसाइज वगैरह भी सॉल्व करने के लिए दूँ. ठीक है.